अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा के द्वारा 20वां युवक युवती परिचय सम्मेलन राजपथ भवन में हुआ संपन्न। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता द्वारा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं ईश वंदना के साथ प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम संयोजक सत्येंद्र गुप्ता के नेतृत्व में स्वागत राकेश जी द्वारा सभी पदाधिकारियों व गणमान्य व्यक्तियों एवं स्वजातीय बंधुओं का स्वागत किया गया। इस अवसर पर महासभा के पदाधिकारियों द्वारा प्रकाशित स्मारिका परिचय से पढ़ने तक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में संपूर्ण भारत से आए 317 युवक युवतियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। उन्हें परिचय सम्मेलन की स्मारिका भेंट की गई। उपरोक्त कार्यक्रम में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लगभग 1700 लोगों ने सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि कैबिनेट मंत्री राकेश अचान, विधायक महेश त्रिवेदी, श्रीमती नीलिमा कटियार की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता, अध्यक्ष सलाहकार एन गुप्ता, केंद्रीय महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती दीपिका प्रवीण, केंद्रीय युवा दल अध्यक्ष आकांश मटौरिया, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील गुप्ता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन गुप्ता और उनके साथ समस्त महासभा पदाधिकारीगण, समस्त मंडलाध्यक्ष एवं उनके पदाधिकारी, समस्त शाखा सभाओं, महिला मंडल, युवा दल के समस्त पदाधिकारीगण व समस्त गणमान्य अतिथियों एवं स्वजाति बंधुओं की गरिमाई उपस्थिति रही। संयोजक सत्येंद्र गुप्ता, उनके सहयोगी टीम एवं महिला मंडल टीम, श्रीमती अर्चना सत्येंद्र, निवर्तमान केंद्रीय अध्यक्षा और उनकी टीम अथक प्रयासों से इस कार्यक्रम को सफल बना पाए। आइए देखें ये खास रिपोर्ट कानपुर से। राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी जो बनारस के निवासी हैं और पूरे देश में इस तरह के आयोजन करके माथुर वैश्य महासभा के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील गुप्ता जी, हमारे केंद्रीय महिला अध्यक्ष दीपिका गुप्ता जी, आप अपना परिचय देते हुए जो कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर उसके बारे में बताएं। मैं अशोक कुमार गुप्त, अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, वाराणसी निवासी हूँ। हमारे समाज में 168 हिंदुस्तान भर में शाखा सभाएं हैं, 125 से ऊपर महिला मंडल है, 100 से ऊपर युवा दल। ऑल इंडिया बॉडी 136 साल पुरानी संस्था। सर, आज जो परिचय सम्मेलन हो रहा है इसमें कितने वर वधुओं को परिचय सम्मेलन होने की उम्मीद है? 350 से ऊपर हमारे रजिस्ट्रेशन हो गए। रजिस्ट्रेशन अभी खुला हुआ, एग्जैक्ट गिनती तो शाम तक पता नहीं है। चिंता रहेगी कैसे विवाह समारोह संपन्न कराएंगे? भाई अभी तक जो स्थिति बनती है, तलाक अलग बहुत होते हैं, आपस में तालमेल नहीं होता, तो परिचय सम्मेलन के माध्यम से हम लोग उनके समाधान निकालना चाहते हैं और आगे भी हम लोग इन लोगों की देखभाल करेंगे बहुत बड़े ढंग से। इसको कार्यों में कर संपन्न करेंगे। हम लोग पहली भारत की ये संस्था है जो पिछले 70 साल से सामूहिक विवाह के पसंद हो गए, उनको ऑप्शन है कि जो समाज का पिछड़ा हुआ है उनकी शादी हम लोग 99% आगरा या वृंदावन में एक ऐसे ही समारोह करके 100 जोड़े होंगे तो 100 जोड़े, 50 जोड़े होंगे तो 50 शादी करेंगे। और ये मैं नया काम नहीं कर रहा हूँ। मैं संयोजक सत्येंद्र कुमार क्या है, जिसमें बहुत से संबंध तय होंगे, उसको आगे हम स्वामी विभाग ले जाएंगे जो हमारी महासभा इसको बड़े सुचारू रूप से करती है। धन्यवाद।